बोलिंग मौली प्रेग्नेंट हो गई और दिदा और राधिका ने बहुत बोला कि कुणाल को बताओ और मौली वॉज नॉट कन्विंस्ड कि मौली को लगता है कि नहीं नहीं अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. बार बार हमारे सीन्स होते हैं कॉन्वर्सेशन होती है मैं बोलती नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. सो वो लोग एक पूरा गेम प्लान मतलब प्लान करते हैं ऐसे कि कुणाल जो है वो कंट्री छोड़ के जा रहा है और मैं एयरपोर्ट आ जाती हूँ एंड देन आई रियलाइज कि उसकी फ्लाइट चली गई है. फिर दिदा और राधिका यहाँ पर आते हैं. दे आर ट्राइंग टू टीच मी अ लेसन टेलिंग मी कि अगर वो सच में चला जाएगा तो देख तेरी क्या हालत होगी. सो अभी जब वो यहाँ पर है टाइम है सो दिस इज़ द राइट टाइम यू शुड टेल. बट आपके मन में फिर एक सवाल उठता है कि मतलब ना बच्चे को लेकर सवाल उठता है कि ये तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज टाइप का प्यार हो जाएगा. हाँ तो मौली को ये लगता है कि कुणाल जब तक सच में मेरे साथ में नहीं होना चाहता तो मैं उसको बच्चे के बारे में क्यों बताऊँ. मतलब बच्चा शुड नॉट बी लाइक अ थिंग टू यूज हिम टू गेट बैक ऐसा मौली सोचती है. एक और यहाँ पर कोई सीन है जिसमें कुणाल एक सॉरी मैसेज लिख रहे हैं और वो मैसेज आपको गलती से मिलने वाला है वो कहीं फिर से मिस कम्युनिकेशन होने वाला है. हाँ जी काफ़ी बड़ा मिस कम्युनिकेशन होने वाला है. कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड समथिंग फॉर नंदिनी विच आई विल फील वो मेरे लिए. तो मेरा जो यहाँ पर एक लेवल ऑफ कन्फ्यूजन चालू होता है वो बढ़ता ही जाता है. थैंक यू. बहुत दिनों से रो रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप बताइए. कुछ नहीं हाँ आई डोंट नो. तो आई थिंक मुझे ऑफ स्क्रीन ज़्यादा हंसना चाहिए बिकॉज मैं सीन में रोती रहती हूँ. हाँ मेरी आँखें दुख रही है एक्चुअली. बट या एक्चुअली इफ यू थिंक इफ समबडी इज गोइंग थ्रू सच अ फेज तो इंसान कितना ही रोता होगा. इफ आई थिंक अबाउट दैट तो फिर मुझे लगता है कि हाँ ठीक ही है. थैंक यू.